फतेहाबाद जिला पार्षद की चेयरपर्सन के पति कृष्ण नंगली भाजपा छोड़कर इनेलो पार्टी में शामिल हो गए हैं। इनेलो सांसद दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व में कृष्ण नंगली ने इनेलो की सदस्यता भी ग्रहण कर ली है। इस मौके पर सांसद दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कृष्ण नंगली भाजपा छोड़कर इनेलो में शामिल होना इनेलो की लोकप्रियता को साबित करता है और भाजपा की गलत नीतियों की वजह से इनका मोह भंग हुआ है और ये इनेलो में शामिल हुए हैं। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के फेलियर, भारतीय जनता पार्टी के अपने कार्यकर्ताओं को, अपने वर्करों को जो मान सम्मान की कमी और एक ऐसा माहौल जो इस प्रदेश के अंदर आमजन को भी पूरी तौर पर कमज़ोर और बर्बाद करने का काम कर रहा है, उसका नतीजा है। वहाँ घुटन महसूस के कारण मैं पहले भी कह चुका हूँ और परेशानी बहुत थी, मान सम्मान नहीं है उस पार्टी के अंदर। मेरे साथ 10 पार्षद है, पूरी टीम पूरा परिवार मेरे साथ है, उनका बिल्कुल मान सम्मान रखे हैं मैंने सारे पार्षदों। वो लोग भी रेलों में आएंगे? हाँ बिल्कुल, काफ़ी सरपंच भी आएंगे, परेशान बहुत है, ब्लॉक समिति चेयरमैन भी परेशान है, सारे परेशान है, पार्षद भी है। बता दें कि चेयरपर्सन के पति कृष्ण नंगली ने मीडिया के सामने आकर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला पर तानाशाही और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। कृष्ण नंगली ने बराला पर आरोप लगाते हुए कहा कि बराला टोहाना हलके के किसी और भाजपा नेता को आगे नहीं आने देना चाहते। गुजरात चुनाव की तपिश बिहार में भी महसूस की जा रही है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने कहा कि बीजेपी चुनाव हार रही है। एक बार फिर लालू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जमकर कोसा। चुनाव हार रहा, सब जगह ढीला हो गया, नरेंद्र मोदी भोंपू है, भोंपू राहुल गांधी को पप्पू बोलता है, ये अपने भोंपू, तो ये सब का हवा निकल गया है। राम मंदिर ये सब बात लखनऊ और अयोध्या जा रहे हैं, उनके नेता रविशंकर श्री 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 का। पीएम मोदी पर हमला बोलने के बाद लालू जी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके प्रवक्ता पर करारा तंज कसा। उन्होंने गिरिराज सिंह और सुशील मोदी से जुड़े सवाल को खास तवज्जो नहीं दिया। सर आपने नीतीश कुमार को कल घोटाला बाबू के नाम से ट्वीट किया था कि घोटाला बाबू हो गए नीतीश कुमार। इस सब मामले में मैं नहीं बोलता हूँ, रोज आप दौड़ कर जाइएगा उनके डॉग लोगों के। सर एक अंतिम सर, ये सुशील मोदी जी का ट्वीट आया है सर, गिरिराज सिंह ने कहा है कि मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है। गिरिराज का कौन नोटिस? सर लगता है कि बिहार में घोटाला हर दिन होते जा रहा है सर, आपको जैसा लगता है वही लगता है। लालू यादव अपने खास अंदाज और अल्फाज के लिए जाने जाते हैं और उनके एक एक शब्द की सियासी गलियारों में जोर शोर से चर्चा होती है। वो नेता जो अपनी बीवी का हत्यारा है शशि थरूर, जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के तलवे चाटने वाला व्यक्ति, आज हिंदुस्तान के राजघरानों के बारे में, राजा महाराजाओं के बारे में जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग उसने किया है, मैं समझता हूं कांग्रेस के नेताओं की बुद्धि भ्रष्ट हुई है। मैं शशि थरूर को और खासतौर पर उसके आकाओं को यह कहना चाहता हूं, अगर इस प्रकार की भाषाओं का प्रयोग राजघरानों के बारे में, राजाओं के बारे में और राजपूत समाज के बारे में अगर एक शब्द भी शशि थरूर ने आगे निकाला तो उसका मुंह काला करके हम लोग उसको उसका इलाज करना जानते हैं। आज मुझे आश्चर्य हो रहा है, वो सोनिया गांधी जो इटली से आई, वो राहुल गांधी जिसको हिंदुस्तान की सभ्यता का संस्कृति का ज्ञान नहीं है, आज वो अपनी भाषा शशि थरूर के माध्यम से कहवाना चाहते हैं, बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर पद्मावती फिल्म को रिलीज करने में अगर कोई भी किसी प्रकार की भी कोताही बरती गई, अगर फिल्म रिलीज हुई तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, अरे समर्थन करना है करो, ना करना है ना करो, परंतु आज हमारे इतिहास के बारे में, आज हमारे राजा महाराजाओं के बारे में जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, आज उनके बारे में भी आप शब्द आप प्रयोग कर रहे हैं, बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। और इसका जवाब शशि थरूर तुझे ही नहीं, तेरे आकाओं को भी हम देंगे।